बहुत शौक, हकीकत में बहुत शौक है। तो लोग बात पूछते हैं, मैं तो शादी को चटनी दे रहा है, वो बहुत अमेजिंग है यार। तो दोस्तों जैसे ही बारिश का मौसम आया और दिल्ली में थोड़ी थोड़ी भाई बारिश पड़नी शुरू, थोड़ी थोड़ी ठंड आई, तो भाई छोले भटूरे दिल्ली वालों को सबसे पहले याद आते हैं। और जब आप हो तिलक नगर जेल रोड, तो भाई रामा के छोले भटूरे खाए भी कर, तो भाई जाना तो बनता ही नहीं है। तो भाई हम भी आ चुके हैं रामा छोले भटूरे जेल रोड वाने खाने। तो भाई ये एक लौती ब्रांच है, इनकी और कोई ब्रांच नहीं है। लस्सी मिलेगी 50 रुपये की, छोले भटूरे मिलेंगे भाई 100 रुपये के। सेटअप बहुत ही सिंपल सा सेटअप है। टाइमिंग्स की बात करूँ तो भाई सुबह वही 8 बजे से लेकर 4-4:30 बजे तक टिल स्टॉक लास्ट। और ये भाई अभी तो बाहर से आप देख लो शोर छोले के, भाई बड़े गाढ़े गाढ़े छोले मिलते, साथ में चटनी लो, प्याज लो, भाई अचार लो, रामबी का सीजनल अचार लो, भाई मुंह में पानी आ जाता है बोलते बोलते। और यार चलो अब आपको छोले चेक करवाते हैं। देखिए दोस्तों हकीकत में जैसे आपको वीडियो में दिख रहे भाई वैसे ही दोस्तों गाढ़े छोले। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी के लिए हल्का सा भाई हमको माफ़ कर देना, क्योंकि उस टाइम पर भाई लाइट नहीं थी, लाइट गई हुई थी, तो ये आई है। लेकिन ठीक है, फिर भी भाई छोले हकीकत में बहुत अच्छे थे। ये देखिए आंबी का चार मैंने बताया था, मिर्ची का चार भी मिलेगा, प्याज भी है देखो, और चटनी, तो भाई सारी चीज़ें ज़बरदस्त हमें तो भाई लग रही है यहाँ पर। ये देखो थिकनेस देखो, मैं चला के दिखा रहा हूँ, देखो है ना हकीकत में थिकनेस है ना, मतलब ऐसा नहीं लग रहा ना कि पानी वाले छोले हैं और 100 रुपये में आपको भाई वाटरी वाटरी गीले गीले छोले मिल रहे हैं। ना 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 ऐसी चीज़ नहीं है भाई यहाँ पर। और भाई लोगों को अगर पता होगा तो रामा छोले भटूरे का जब भी नाम आता है, सबसे पहले जो ज़ुबान पे नाम आता है जब से इंटरव्यू आया है, वो विराट कोहली का नाम आता है। अब हकीकत क्या है क्या नहीं है पता नहीं भाई। दो जगह, एक हमने पहले डाली थी कि राम जी की हट्टी की, उस पर बताया था किसी ने, और कोई भाई अब ये कह रहे तो भाई हम यहाँ के भी ट्राई करने आ गए, तो डिफ्रेंशिएशन भाई पता चल जाएगी कि क्या कैसे छोले भटूरे हैं कैसे नहीं है। तो भाई कुछ कह नहीं सकते इस चीज़ के बारे में, लेकिन भाई ज़्यादातर जो हाइप्ड है वो यही जगह है, तो भाई हम भी आगे फिर ट्राई करने। तो चलिए दोस्तों भटूरे लगवा, तो सबसे अच्छी बात है भाई ये देखो यहाँ पर ना ये ऐसे कहकर नहीं बेच रहे कि पनीर वाले देंगे और चिंदी सा पनीर डाल देते हैं, है ही नहीं पनीर वाले भाई, मैंने तो देखा नहीं पनीर, सिंपल भटूरे है। और अब ये देखो आपके सामने आएगा फ्लाइंग भटूरा, इतनी दूर से ही फ्लाइंग भटूरा देखो, और ये लो भाई ये आया फ्लाइंग भटूरा है ना। और अब कहोगे भाई तेल इतना काला ये, तो भाई देखो छोले भटूरे वैसे भी हेल्दी नहीं होते आपको ये पता ही है, तो अब तेल भी क्या देखना है जब खाने वाले भटूरे ही नहीं देखते, क्योंकि भाई वो भी तो मैदा होता है, इतनी मोटी मैदा होती है, देख लो दो भी दो खाते हो तो भाई तेल कौन देखता है, डीप फ्राइड होते हैं सबको पता है, कोई नहीं भाई इतना होता है। तो देसी की वैसी की भी मिलेंगे 100 रुपये में नहीं मिलते, तो मानो ना मानो, तो भाई ऐसा ही तेल मिलता है। और एक और आएगा देखो, और ये आया फ्लाइंग भटूरा, तो भाई ऐसे फ्लाइंग भटूरे सिर्फ रामा छोले भटूरे वाले पे मिलते हैं, नो अदर ब्रांच जेल रोड वाले भाई ये। और लोकेशन भाई बहुत ही आसान है, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर तिलक नगर का 4, तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 से आप एग्जिट लो और यहाँ पर पहुँच जाओगे भाई रामा छोले भटूरे वाले पे। जेल रोड वाली लाइन है ना, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में भाई अपना दिख जाएगा, टेंशन ना लेने की कोई बात नहीं है। और भटूरे भाई वही हर दिन आपको लाल करवाने हो, डीप फ्राइड हल्के फ्राइड, तो बोल सकते आप भाई वो हो जाएंगे। और तेल भाई रिफाइंड ही है, काला ही मिलता है, कोई बार 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 नहीं पलटता, कोई कोई वीडियो बनवाने के पर्पज से पलटवा देते हैं बस, और कुछ नहीं है भाई। चलो प्लेट लगवा लेते हैं, भटूरे निकल के देखिए, प्लेट में आपको अनियन मिलेंगे, चटनी मिलेगी, रिफ़िल करवा सकते हो, आपको पता ही है, जितना मर्जी अचार लो, जितनी मर्जी आम भी लो, और छोले भी भाई डलवा लेना एक दो बार, तो भाई डल ही जाते हैं दो भटूरे में, लेकिन भाई टेस्टी इतने होते हैं ना यार इनके छोले, मैं खा चुका हूँ इसलिए दोबारा वीडियो बना रहा हूँ मैं, कि भाई पहले टेस्ट कर लें, तो हकीकत में बहुत टेस्टी होते हैं। मैंने दो बार तो भाई लिए ही थे, एक बार ये और एक बार और, क्योंकि भाई भटूरे के साथ यार इतनी तो देखिए दोस्तों ज़रूरत ना अपने को ना पड़ी जाती है। तो चलिए अब वेट करते हैं अपने भटूरों का। तो ये लीजिए दोस्तों भटूरे रेडी भाई, अपने दो फूले फूले, हमने ज़्यादा डीप फ्राइड नहीं करवाया भाई, नॉर्मली फ्राइड करवाए हैं, वैसे भी अनहेल्दी होते हैं तो डीप फ्राइड बस नहीं करवाए, मोटे मोटे भटूरे मिलते हैं, दो भटूरे मिलेंगे एक प्लेट में, 100 रुपये की प्लेट है। चलो भाई अब रहा नहीं जा रहा, बिना किसी देरी के ना इसको फटाफट प्लेट में उतारते हैं, फिर आपको यार टेस्ट बता। तो दोस्तों लग गए भाई अपने रामा स्पेशल छोले भटूरे, और लोग कहते हैं विराट कोहली के स्पेशल छोले भटूरे हैं दोस्तों, अब है या नहीं हमें नहीं पता, क्योंकि जितने उनके इंटरव्यू वगैरह भी आए थे ना उसमें भी हमने देखा था, तो जो ऊपर वो बोर्ड मेंशन था ना भाई वो यही वाला था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया भी था। तो चलो ट्राई करते हैं, और वो कहता है ना भैया विराट कोहली भैया जी कहते हैं कि उसी की दुकान पे जाके, तो हम भी उसी की दुकान पे खड़े होकर टेस्ट करेंगे। ये भटूरा छोटा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, छोले चेक करो यार कितने गाढ़े छोले हैं भाई, काले काले, रावलपिंडी कहते हैं ना जिनको, ये आप बनी बढ़िया सी बाइट, हेवन भाई ज़बरदस्त छोले भटूरे यार, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, मतलब कि अगर छोले भटूरे की बात करो ना पूरे दिल्ली में
तो भाई इनका नाम टॉप फाइव में दोस्तों ज़रूर आएगा अकॉर्डिंग टू मी, बाकी आप डिफर कर सकते हैं। जो ये चटनी है ना, ये थोड़ी सी ना खट्टी सी लगी, खट्टी मीठी सी, तो मैंने एक बार ये चटनी दोबारा ना ट्राई करना चाहता हूँ, क्योंकि एक अलग सा टेस्ट आया था। ये जो हमने प्याज के साथ देखो ये ली थी, तो ये चटनी, ये लो। छोले भटूरे तो भाई है ही लाजवाब, भटूरे भाई सॉफ्ट, बहुत हकीकत में बहुत सॉफ्ट है। छोले की तो बात पूछो मैं, तो साथ में तो चटनी दे रहा ना भाई, वो बहुत अमेजिंग है यार। नो वंडर हमारे इंडिया के सुपरस्टार स्पोर्ट्समैन के ये छोले भटूरे इतने फेवरेट हैं। क्यों, तेल जैसा भी हो स्वाद आ रहा है हमें, और भाई कुछ नहीं चाहिए, गिर के थोड़े से चलता रहता है, ठीक है। तो आप भी अगर कभी भी यार तिलक नगर साइड हो, जनकपुरी, रजौरी गार्डन भी साइड हो, रामा के छोले भटूरे पे भाई एक स्टॉप तो लगा लेना। सुबह 7:30-8 बजे से मिलने शुरू हो जाते हैं, 4:30 तब तक स्टॉक रहता है, ठीक है। अब भाई मैं अपनी डिलीशियस प्लेट को ख़त्म करने से पहले एक बार अचार वगैरह भी चेक कर ले यार, आम्बी का अचार, या सीज़न चल रहा है ना आम का, मज़ेदार खट्टा मीठा अचार, मज़ा आ गया। एक परफेक्ट मील, ब्रेकफास्ट कह लो, लंच कह लो, स्नैकिंग ऑप्शन कह लो, वो आपकी मर्ज़ी। अब इसको फिनिश करता हूँ, मिलता हूँ आपसे मेरे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।